तो भाई लोग, आज हम लोग बात करेंगे एक साउथ कोरियन मूवी की जिसका नाम है काटर। ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 10 मिनट की है, लेकिन ये आपको हिंदी में भी देखने को मिलती है। यार पूरी तरह तो कंटाल गया हूं मैं बैक टू बैक मूवीज देख देख के। खैर बात करें इस मूवी के प्लॉट की, तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स और कोरिया इन जगहों पर एक ऐसा वायरस फैला हुआ है जिसकी वजह से लोग वॉयलेंट हो रहे हैं और जॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब ऐसे में एक बंदा हमें नजर आता है जिसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब हो चुकी है। उस बंदे का नाम है कार्टर, मगर उसको कान में एक फीमेल की वॉइस आती है, ये बताती है कि तुम्हारे मुंह में एक बॉम्ब है। वो बॉम्ब से अगर तुम बचना चाहते हो तो तुमको एक मिशन हमारे लिए करना पड़ेगा। अब वो मिशन सिंपल से ये है कि कार्टर को एक छोटी बच्ची को रेस्क्यू करना है। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ और सिर्फ एक्शन है, लेकिन हद तो तब खत्म हो जाती है जब इस पर्टिकुलर मूवी में आपको ऐसा फील आता है फर्स्ट सीन से कि आप इस मूवी के अंदर घुस गए हो। यानी कि जब वो लोग गिर भी रहे हो तो आपको लगता है कि आप भी उनके साथ गिर रहे हो, जब वो लोग एक्शन कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप उनके साथ एक्शन कर रहे हो, जब वो लोग चुतियापा कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप लोग भी चुतियापा कर रहे हो। मतलब मूवी को इस तरह से रखा कि आपको लगता है कि कंटिन्यूस हर एक सीन वो लोग शूट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मूवी को जैसा शूट करते ब्रेक कर करके वैसा ही इसको शूट किया, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कैमरामैन और एडिटर की, जिसने इतनी गजब तरीके से हर एक सीन को शूट करके एडिट किया कि आपको लगता है कि कंटिन्यूस ये लोग पूरी मूवी को शूट कर रहे हैं बिना किसी ब्रेक को लिए। और यही एक वजह है आपका सर दर्द भी बन जाती है, क्योंकि एक मोमेंट आते आते बहुत सारे लोगों की जो लिमिट है सबर की वो लिमिट खत्म हो जाती है और शायद आधे से इस मूवी को देखकर उड़ जाएंगे। लेकिन मैंने बस इसलिए इस पर्टिकुलर मूवी को पूरा देखा क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना था। मूवी की कहानी में कोई दम नहीं लगा मुझे, और अगर लॉजिक की बात करें तो लॉजिक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। हालांकि मूवी में लॉजिक ढूंढना तो बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से, मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई जाती है और ये मूवी आपको हाफ एंटरटेनमेंट करेगी हाफ बोर करेगी। और हाँ, पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, मूवी के स्टार्टिंग में जो न्यूडिटी बताई है उस न्यूडिटी का भी कोई सेंस ही नहीं बनता। मतलब वो जितनी भी लड़कियां थी अपार्ट फ्रॉम द बॉयज, उन लड़कियों का तो कोई पार्ट ही नहीं था एक्शन में, तो फिर उनको न्यूड बताने की जरूरत क्या थी, उनको उसमें रखने की जरूरत क्या थी। मगर एक्शन की बात करूँ तो भाई क्या करूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ एक्शन भरा है। उन लोगों ने हर जगह पे एक्शन डाला है जहाँ पर वो लोग डाल सकते थे, मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी लोग ने एक्शन करने के लिए। और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से को अच्छी तरह से किया, डायरेक्शन भी ठीक ठाक है। ये उन ऑडियंस को पसंद आएगी जो कुछ हटके अलग तरीके की मूवी, कोई एक अलग क्रिएटिव चुतियापा देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत गजब की मूवी है। तो बस यार, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।